इंडिया के अंदर जल्दी आने वाला है नरुटो शिपुडन, क्योंकि सोनी चैनल के ऊपर नरुटो की जो ओरिजिनल सीरीज है यानी कि नरुटो वो जल्द ही खत्म होने वाला है यानी कि बंद होने वाला है और उसके बाद हमें सोनी चैनल के ऊपर नरुटो शिपुडन को दिखाया जाएगा। अगर दिखाया जाएगा तो सोनी चैनल के ऊपर नरुटो शिपुडन बैन हो जाएगा यानी कि इंडिया के अंदर ही वो बैन हो जाएगा। आखिरकार क्यों, क्या डिफरेंस है हिंदी डब और इंग्लिश डब और जापानीज डब के अंदर, हमें नरुटो शिपुडन के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और हमें नरुटो शिपुडन कब देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है सब कुछ बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसको मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया रिसर्च करके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। गाइस पहले बात कर लेते हैं नरुटो शिपुडन के बारे में कि हमें शिपुडन के अंदर क्या क्या दिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज हमें यह देखने को मिलेगी, जो हमारा छोटा वाला नरुटो है वो बड़ा बन जाएगा, मतलब 16 साल का बन जाएगा। उसके साथ साथ हमें यह देखने को मिलेगी कि भैया जो नरुटो है और बहुत सारे ऐसे निंजा जो जुत्सु इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जुत्सु की पावर कहां से आई, चक्र को मतलब कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी पावर्स कहां से आए बोल के हमें ये देखने के मिलेगा। सबसे बड़ी चीज कि नरुटो के अलावा हमें इनके अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा, मैं आपको क्या ये बताऊं, खासकर इटाची उचिया, इस बंदे के बारे में आपको मैं क्या ये बताऊं, इसने अपने क्लैन के लोगों को यानी कि अपने कबीले के लोगों को ही खत्म कर दिया था, मार दिया था, आखिरकार क्यों, और इसकी बैक स्टोरी जानने के बाद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। उसके साथ साथ हमें इस सीरीज के सबसे बड़े विलन को दिखाया जाएगा यानी कि माद्रा उचिया को। माद्रा उचिया वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है मुझे लगता है विलन के मामले में। माद्रा उचिया के आसपास ही ये पूरी सीरीज घूमती है और ये कहानी नरुटो के आसपास नहीं घूमती है, माद्रा उचिया के आसपास घूमती है। नहीं नहीं, इस नरुटो शिपुडन के अंदर हमें अकात्सुकी नामक एक मतलब ग्रुप को दिखाया जाएगा और उस ग्रुप के बारे में आपको मैं क्या है बताऊं, उसके अंदर हमें इटाची भी मतलब उस ग्रुप का मेंबर है, उसके अंदर हमें ऐसे खतरनाक विलन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन विलन की कहानी इतनी मतलब जबरदस्त होती है, इतनी इमोशनल होती है, मैं आपको क्या बताऊं, उनकी बैक स्टोरी जब जानोगे ना इस सीरीज के अंदर आप लोगों को हीरो से ज्यादा विलन बहुत ज्यादा पसंद आएंगे नरुटो शिपुडन के अंदर। और आप लोगों को झटका सबसे ज्यादा तब लगेगा जब आप लोगों को पता चलेगा कि अकात्सुकी ग्रुप क्यों बना था, अकात्सुकी ग्रुप को क्यों बनाया गया था, किसने क्रिएट किया था, किस वजह से क्रिएट किया था और इसके पीछे किसका हाथ था, वो जानने के बाद आप लोग पूरा शॉक्ड हो जाओगे। आप लोगों को झटका तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि नरुटो के पेट के अंदर नाइन टेल फॉक्स कहां से आया और उसके पेट के अंदर नाइन टेल फॉक्स को किसने डाला, नरुटो के माता पिता कौन थे, मतलब सारी चीजें वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते कि सोनी के ऊपर नरुटो शिपुडन क्यों नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो बैन क्यों हो जाएगा। तो गाइस उसका रीजन है नरुटो शिपुडन के अंदर के खून खराबे, फाइट सीन्स वगैरह वगैरह। हाँ, अगर नरुटो शिपुडन को सोनिया दिखाता है तो सोनिया को गवर्नमेंट से मतलब एक लाइसेंस लेनी पड़ेगी नरुटो शिपुडन को दिखाने के लिए, क्योंकि नरुटो के अंदर बहुत सारा खून खराबा है, सेंसरशिप चीजों को दिखाने के लिए उसे पहले मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ेगी। अगर उसे लाइसेंस मिल जाती है और सोनिया नरुटो के कुछ ब्लड सीन्स और फाइटिंग सीन्स को मतलब कुछ परसेंट कट करके दिखाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद दिक्कत उनको तब आएगी जब डबिंग की बात आएगी। नरुटो शिपुडन के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स से आपको मैं क्या ही बताऊं, उन सारे कैरेक्टर्स को डबिंग करने के लिए बहुत सारे मतलब डबिंग आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मोटा रकम लगाना पड़ेगा डबिंग के अंदर। और खासकर इसकी डबिंग के अंदर इमोशन तो हमें चाहिए यार, अगर शिपुडन के अंदर इमोशन ना हो तो घंटा हो, मतलब कॉमेडी तो मतलब हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कर ही लेते हैं और कॉमेडी बहुत अच्छी होती है यार। और देखा जाए जापानीज डब और इंग्लिश डब की तो भाई साहब उसके अंदर इमोशन भर के है और कॉमेडी भी भर के है, तो ऐसा कुछ मतलब करते डीप लेकर वो लोग करते हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोनी ये हमें अगले साल ही नरुटो शिपुडन को दिखाएगा, वो भी हिंदी डब के अंदर। भाई साहब वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढना, मतलब सेंसरशिप को कट करना, एडिटिंग बहुत कुछ हो गया, मैं आपको क्या बताऊं, इतना सब करने के बाद ही हमें अगले साल ही नरुटो शिपुडन को सोनी दिखा सकता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर से बता देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिख देना। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाइयों, और आवाज गई मेरी।